हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड, दीपावली स्पेशल वीडियो यह हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में आप लोग को बताया है कि आप लोग अपनी फ़ोटो के साथ दीपावली स्टेटस कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग आज के वीडियो का प्रीव्यू देखते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके भाई को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो फ्रेंड प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आप लोग को वीडियो बनाने के लिए BN ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, हम लोग BN ऐप को ओपन करेंगे। ओके, तो हमारा BN ऐप ओपन हो चुका है। आप लोग को प्लस पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। यहाँ पर आप लोग को फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग को टैप करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग अपनी फोटोज को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को 24 फोटोज को ऐड करना है। तो अगर आप लोग के पास इतनी फोटोज नहीं है तो आप लोग डबल फोटोज को भी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर जल्दी से फोटोज को ऐड कर लेता हूँ। 20 फोटोज को ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ ताकि फ्रेंड आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड, मैंने फोटोज को ऐड कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे ऊपर रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग टैप करना है। ओरिजिनल सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर आप लोग को 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से हम लोग अपने सॉन्ग को ऐड करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग को टैप करना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो फ्रेंड आप लोग को इस म्यूजिक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहां पर आप लोग को फ्रेंड प्लस का आइकन मिलेगा, इस पे आप लोग को टैप करना है। स्ट्रेक फॉर वीडियो पर टैप करना है आप लोग को। तो यहां पर जो आप लोगों ने वीडियो को डाउनलोड किया है तो आप लोग को यहाँ पर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। तो जिस वीडियो में से आप लोग आइडियो निकालोगे तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट में ही शो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को इस पर टैप कर देना है। तो फ्रेंड आप लोग को इस सॉन्ग में बीट देखने को मिलेंगी, तो आप लोग को इस सॉन्ग में बीट मार्क कर लेना है। तो आप लोग बीट मार्क इस सॉन्ग में कर लेना है तो आप लोग को वीडियो बनाने में आसान होगा। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर जल्दी से बीट मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड मैंने इस सॉन्ग में बीट मार्क कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ से आप लोग को टेक पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो आपका सॉन्ग यहाँ पर बीट मार्क के साथ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग को दोनों उंगलियों से कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है टाइमलाइन को, आप लोग को जिस तरीके से जूम कर लेना है, आप लोग को वीडियो बनाने में आसान होगा। फिर हम लोग फर्स्ट फोटो को फ्रेंड हम अपनी फर्स्ट बीट के हिसाब से रखेंगे, कुछ इस तरीके से बीट के अनुसार हम सभी फोटोज को सेट करेंगे। फिर हम लोग सेकेंड फोटो पर टैप करेंगे, इसकी लेंथ को हम लोग अपनी सेकेंड बीट तक रखेंगे। फिर आप लोग को थर्ड फोटो पर टैप करना है, यहाँ पर आप लोग को थर्ड बीट तक रख लेना है इसकी लेंथ। फिर आप लोग को अगली फोटो पर टैप करके कुछ इस तरीके से आप लोग को अपनी फोटो को बीट के अनुसार यहाँ पर सेट कर लेना है। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से फोटोज को बीट के अनुसार ऐड कर लेता हूँ ताकि फ्रेंड आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो।
ओके तो फ्रेंड मैंने फोटोज को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट फोटो को आप लोग को छोड़ देना है, सेकंड फोटो पे आना है फ्रेंड, सेकंड फोटो की आप लोग को स्टार्टिंग में आना है। फिर यहाँ पर आप लोग को नीचे की ओर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा एफएक्स का, तो आप लोग को इस पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे एफएक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड आप लोग को जूम इन एफएक्स को सिलेक्ट कर लेना है, तो आप लोग की इस इमेज में यह इफेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग को टिक पे क्लिक कर देना है। फिर आप लोग को थर्ड फोटो पे आना है, एफएक्स पे टैप करना है, इसमें भी फ्रेंड हम लोग जूम इन वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। फिर यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। फिर यहाँ पर फ्रेंड आप लोग को अगली फोटो पे आना है, यहाँ पर एफएक्स पे टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को एक एफएक्स मिलेगा जेल्टर वाला, तो आप लोग को इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। अगली फोटोज पे आना है, एफएक्स पे टैप करना है। आप लोग को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोग को जेल्टर अब वाला इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। फिर यहाँ से आप लोग को अगली फोटोज पे आना है, एफएक्स पे टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को स्टार्टिंग में आना है इस फोटोज की। फिर यहाँ से आप लोग को एक एफएक्स मिलेगा जूम इन, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। दोनों उंगलियों से आप लोग को जिस तरीके से टाइमलाइन को जूम कर लेना है, वीडियो बनाने में आप लोग को आसानी होगी। फिर अगली फोटोज पे आना है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को एफएक्स पे टैप करना है, इमेज की स्टार्टिंग में आप लोग को कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोग को एक एफएक्स मिलेगा जेल्टर वाला, इसको आप लोग को सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। फिर आप लोग को यहाँ पर अगली फोटोज पे आना है, एफएक्स पे टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को जिल्टर लेफ्ट वाला मिलेगा, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से डन करना है। अगली फोटोज की कुछ इस तरीके से स्टार्ट के थोड़ा सा आगे आना है। फिर यहाँ से एफएक्स पे टैप करना है, यहाँ पर आप लोग को ब्लैक एफएक्स मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को पीछे से इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर लेना है, एंड यहाँ पर आप लोग को एक लाइन मिलेगी, ये आप लोग देख सकते हो। इसको आप लोग को जिस तरीके से 15 या 16 सेकंड रख लेना है। फिर यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। फिर यहाँ से आप लोग को अगली फोटोज पे आना है, एफएक्स पे टैप करना है, इसमें आप लोग को इस जेल्टर वाले एफएक्स को ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से डन करेंगे। फिर यहाँ से आप लोग को अगली फोटोज की थोड़ी सी आगे आना है। फिर यहाँ से एफएक्स पे टैप करना है, इसमें आप लोग को ब्लैक एफएक्स को ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से इसकी पीछे से इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर लेना है। फिर यहाँ से डन करना है। फिर यहाँ पर आप लोग को इन दोनों फोटोज में जिल्टर वाले इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ से डन कर देना है। फिर अगली फोटोज पर टैप करना है, इसमें भी हम लोग जिल्टर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। फिर यहाँ से डन कर लेंगे। फिर इसमें आप लोग को ब्लैक इफेक्ट को ऐड करना है, तो इसको आप लोग को ऐड कर लेना है। इसकी लेंथ को आप लोग को आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है। इस लाइन को आप लोग को 15 सेकेंड तक रख लेना है। फिर यहाँ से डन कर देना है। एंड जो हमारी लास्ट की इमेज बची है फ्रेंड, इसमें हम लोग जिल्टर अप वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो एफएक्स पे टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को इस जिल्टर अप वाले इफेक्ट को, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग जिल्टर डाउन वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। आप लोग को जिस तरीके से सभी फोटोज में जिल्टर डाउन वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को एफएक्स किस तरीके से ऐड करना है। तो मैंने सभी फोटोज में एफएक्स को ऐड कर लिया है। फिर यहाँ से आप लोग को एक प्लस का आइकन मिलेगा लेयर वाला, तो इस पर आप लोग को टैप करना है। वीडियोज एंड फोटो पर टैप करोगे तो फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर एक शेडो पीएनजी को ऐड करना है। तो आप लोग को इस शेडो पीएनजी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसको आप लोग को जिस तरीके से फुल साइज कर लेना है, एंड इसकी लेंथ को आप लोग को वीडियो के एंड तक खींच लेना है कुछ इस तरीके से। फिर स्टार्टिंग में आना है आप लोग को, फिर आप लोग को फिर से प्लस पर टैप करना है। वीडियो एंड फोटोज पर टैप करोगे, यहाँ पर आप लोग को दिवाली टेक्स्ट पीएनजी ऐड करना है। तो आप लोग को इस पीएनजी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पीएनजी को आप लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पर
बड़ा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर इसकी लेंथ को आप लोग पकड़ के कुछ इस तरीके से एंड तक खींच लेना है, तो आपका यह वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ से आप लोग को टिक पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे तो आपका यह वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो आई होप फ्रेंड हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।